पॉकीमोन एनिमे में ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहा है कि पिकाचू इवॉल्व कब होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले टॉप 5 टाइम्स व्हेन पिकाचू अबाउट टू इवॉल्व, इसका मतलब कि पिकाचू कब कब लगभग इवॉल्व हो चुका था राइचू में, उसी की टॉप 5 इंसिडेंट के बारे में आज हम लोग बात करने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। नंबर 5 पे आता है वो एपिसोड जब एश को जीतना था कांटो का थर्ड जिम बैच। उस टाइम एश का पिकाचू लेफ्ट हैंड सर्च से मैच हार गया था, पर तभी नर्स चॉय ने कहा था पिकाचू को इवॉल्व करने के लिए, पर पिकाचू उस टाइम इवॉल्व नहीं होना चाहता था। लेकिन तब भी पिकाचू ने लेफ्ट हैंड सर्च के राइचू को रीमैच में स्पीड रिलेटेड मूव्स को यूज करके हरा दिया था। नेक्स्ट अटेम्प्ट तब होता है जब पॉकीमोन के एपिसोड 40 में थ्री ब्रदर्स के पास इवोल्यूशंस होते हैं, तभी उन्होंने एश और उसके फ्रेंड्स को देखा था और एक ईवी के साथ, और ईवी उनके ही यंगेस्ट ब्रदर माइकी का था। तब उन्होंने ब्रॉक एंड एश को फोर्स करके अपने वोल्पिक्स एंड पिकाचू को इवॉल्व करने के लिए कहा, पर अगर वहाँ पे सही टाइम पे मिस्टी नहीं आती तो उन ब्रदर्स ने तो एश और ब्रॉक को फोर्स कर ही दिया था अपने पिकाचू वोल्पिक्स को इवॉल्व करने के लिए। थर्ड अटेम्प्ट तब होता है जब पॉकीमोन डायमंड एंड पर्ल में टीम रॉकेट एक इवोल्यूशन मशीन बनाती है। जब वो मैजिकैप एंड फीबास को इवॉल्व कर नहीं पाती है, तब उन्होंने पिकाचू को कैप्चर कर लिया और उसे इवोल्यूशन मशीन के अंदर डाल दिया, पर वो भूल गए थे कि अपना पिकाचू भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। उसने थंडर यूज करके मशीन को ब्लास्ट कर दिया और वहाँ से सेफली निकल गया। अगर अपना पिकाचू वीक रहता है तब तो वो पक्का राइचू बन गया होता उस टाइम। नंबर 2 पे आता वो सीन जब ब्लैक एंड व्हाइट के एपिसोड में वर्गिन ने पिकाचू की तरफ थंडरस्टोन फेंका था, बट एश ने वहां पे सही टाइम पे आके उस थंडरस्टोन को पकड़ लिया, पिकाचू को इवॉल्व होने से बचा भी लिया था एश ने उस टाइम। ये बात एक और चीज शो करती है कि एश भी यही चाहता है कि पिकाचू कभी इवॉल्व ना हो। नंबर 1 पे आता डायमंड एंड पर्ल का ही वो इंसिडेंट जब एश का पिकाचू बहुत ही बुरी तरह एक ट्रेनर के राइचू से हार जाता है। तब डाउन ने कहा कि तुम अपने पिकाचू को इवॉल्व क्यों नहीं करते हो। फिर एश ने डाउन को वो स्टोरी सुना जो उसके साथ लेफ्ट हैंड सर्च के रिमैच के बाद हुई थी। तभी एश ने पिकाचू के पास एक थंडरस्टोन रख दिया और पिकाचू को रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था वहीं पे। जब वो लोग वापस आए वहां पे तो उन्होंने देखा ना ही वहां पे थंडरस्टोन था और ना ही पिकाचू। तभी एश ने देखा कि पिकाचू वॉल टैकल की प्रैक्टिस कर रहा है, और तभी पिकाचू को मिला एक पावरफुल मूव जिसका नाम था वॉल टैकल, और पिकाचू उसके बाद उस ट्रेनर के राइचू को भी बहुत ही इजीली डिफीट कर चुका था। इससे ये भी साफ साफ पता चलता है कि पिकाचू फ्यूचर में भी कभी इवॉल्व होने वाला नहीं है। एंड आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई होगी तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, नए को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन दिस इज पॉकीमोन गैलेक्सी साइनिंग आउट।